चारों पीटीओ के, इसमें लाइव पीटीओ, मल्टी स्पीड पीटीओ, ग्राउंड स्पीड पीटीओ, रिवर्स पीटीओ, ठीक चार पीटीओ है। 1+1 पीटीओ है इसमें भी, इसका यूज होता है। जैसा आपको रोटावेटर पे चलाना है तो उसका यूज होगा। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों, मैं हरजीत सिंह स्वागत करता हूँ आपका जय किसान टेक्निकल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों, आज का जो ट्रैक्टर है भाई, जो भी भाई 50 HP का जो है बिल्कुल लेटेस्ट एडवांस फीचर्स के साथ ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं भाइयों, ये वाला वीडियो अगर आप स्किप करोगे तो आपको, अगर ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हो तो हो सकता है कि बाद में पछतावा हो, क्योंकि ये वाला जो ट्रैक्टर है 254 DI है जी, डायना स्मार्ट के नाम से ट्रैक्टर आया है भाई, मैसी कंपनी, जो कि फीचर और जो है जो इनके स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं उनमें इतने फीचर किसी भी ट्रैक्टर में नहीं है जी, और पूरे का पूरा एक एडवांस ट्रैक्टर है जी। क्या क्या इसमें फीचर है, क्या रोड स्पीड है, कितनी तरह की PTO है, तो कंप्लीट इसका रिव्यू होने वाला है जी। और ये वाला जो ट्रैक्टर है जी, तो भाई मेरे एकदम दिल को लगा ट्रैक्टर, सच्ची बात तो ये है, इसके फीचर और इसके पूरा ऑल ओवर इसकी चलाई वगैरह देख के। तो भाइयों को ट्रैक्टर दिखाते हैं जी। तो भाइयों, जमाना 4x4 का है, तो सबसे पहले जो इस 4-wheel drive ट्रैक्टर में अगला हिस्से से शुरू कर लेते हैं जी, पूरा कंप्लीट ट्रैक्टर दिखाऊंगा भाइयों को कि क्या क्या इसमें जो है खूबियां खामियां हर चीज़ के बारे में बात करेंगे भाइयों। बहुत ही परफेक्ट मैच टायर साइज है, पहले मैं आपको दिखा दूँ, पीछे 14-9-28 और आगे 9-5-20 का टायर साइज है। कई ट्रैक्टरों में ऐसा होता है कि जी अगले टायर छोटे होते हैं और पिछले ज़्यादा बड़े होते हैं, और या फिर अगले इतने बड़े टायर होते हैं कि ट्रैक्टर पीछे को झुकाव महसूस करता है 4x4 में, लेकिन इसमें वो बिल्कुल नहीं है जी। फ्रंट एक्सल बिल्कुल आपको सील्ड मिल जाता है जी। तो जो अच्छी कंपनियां भाई, और जो शुरू में 4x4 ट्रैक्टरों से किसान डर गए, हिस्से लीक हो गए, कुछ टूट गए, किसी का पिनियन टूट गया, तो भाई वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी के जो है जिन्होंने तकनीक को इस्तेमाल करा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जी। बहुत ही बेहतरीन करारों का हिस्सा है जी, इसमें जो फ्रंट हिस्सा है वो करारों का सील्ड हिस्सा है जी, और करारों का गियर ट्रांसमिशन में अपने आप में एक नाम है। पावर स्टेयरिंग जो है जी डबल एक्टिंग लगा हुआ है। इस ट्रैक्टर में कॉस्ट कटिंग जैसी आपको कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रंट हिस्से की बात होगी जी, अब मैं आपको लेके चलता हूँ जी इसके गियर पे। भाई इंजन की भी बात करेंगे, लिफ्ट की भी बात करेंगे, वीडियो को पहले गियर बॉक्स दिखाते हैं जी ट्रैक्टर का। भाई जो गियर बक्सा है हाई लो मीडियम के साथ में है, तो यही हाई लो मीडियम के साथ ही इसकी खूबियाँ नहीं ख़त्म होती जी। हाई लो मीडियम के साथ चार गियर इधर आ गए, यानी कि 12 स्पीड बन गई जी फॉरवर्ड की, और ये आ गया जी शटल, तो 12x24 स्पीड होगी जी इस ट्रैक्टर की। भाई शटल भी देखेंगे किस तरीके से काम करता है, और ऊपर बैठ के अगर पोजिशनिंग की बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन है। तो ऑपरेशनल एरिया दिखा दूँ जी मैं आपको, बहुत ही बेहतर है जी। हल्का सा बम्प है, लेकिन जो काम किया गया है जी पूरा बाहरली कंपनियों की तरह काम किया गया है जी इसमें ड्राइवर की पोजीशन का, तो इस सारे कंट्रोल्स बहुत ही नज़दीक हैं मेरे। मेरी हाइट मीडियम है जी, तो काफ़ी बढ़िया मुझे इसके लगे फीचर, जो कि ऑपरेशनल एरिया के अंदर है। शानदार सी स्मार्ट की है जी, लॉक अनलॉक कार की तरह होता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी इस की को रख देते हैं यहीं पर। तो गियर स्पीड की बात करें तो 24 स्पीड गियर बक्सा आ गया जी, 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स, उसी स्पीड से आगे होगा, उसी स्पीड से ट्रैक्टर पीछे होगा। तो गियर के अंदर आ गया हाई लो मीडियम, चार गियर और शटल, यानी कि 12+12 24 गियर आ गए जी। तो जितने भी हाइड्रोलिक से ऑपरेटेड सिस्टम है जी उसके बारे में मैं आपको बता दूँ, तो इस ट्रैक्टर में यहाँ पर एक टैंडम पम्प आया हुआ है जी, टैंडम पम्प है। तो ये जो टैंडम पंप है, इस पंप का हाइड्रोलिक से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि ये दो पंप हैं, तो एक ऑब्जरी वाल के लिए है जी, एक पावर स्टेयरिंग के लिए पंप है, जो कि इसकी हाइड्रोलिक को बहुत ही ज़्यादा सटीक बनाता है जी। वो इसका पंप हिस्से के अंदर ही होता है जी, यानी कि इसमें तीन हाइड्रोलिक पंप हैं जी, हाइड्रोलिक के लिए अलग, ऑब्जरी वाल के लिए अलग, और आपका पावर स्टेयरिंग के लिए अलग। तो यही सब चीज़ें हैं जी जो कि हाइड्रोलिक में अभी तक कोई भी कंपनी मैसी के आसपास भी नहीं है, जो हकीकत है जी, जो सच्चाई है। ये नहीं कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है उठाने की, भाई मार्केट के अंदर ट्रैक्टर हैं बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है उनकी लिफ्ट उठाने की, लेकिन जो लिफ्ट की क्वालिटी है भाई वो मैसी की अभी तक भी अव्वल दर्जे पर ही चल रही है। तो इसकी जो है
2050 किलो के लगभग की हाइड्रोलिक है जी, यानी कि 20 क्विंटल की लिफ्ट है। तो 20 क्विंटल की लिफ्ट 50 एचपी कैटेगरी में काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है जी। ऑयल डिमस्ट ब्रेक है और इन चीज़ों पे काफ़ी काम किया गया है जी। हर जो है यहाँ पे स्टेट बार जो अच्छे वाली लगाई गई हैं, कोई संकड़ वगैरह नहीं है। तो ये मड में कीचड़ में कभी भी चौक नहीं होती। जो ये वाला जैक है जी, ये सिंगल दिया गया है, दोनों तरफ होता तो बहुत ही बेहतर था। थ्री सेंसिंग पॉइंट आ जाते हैं आपके, कंपनी फिटेड आपको हिच मिल जाता है जी। तो एक बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ जी, ग्रीसिंग पॉइंट का जो स्टिकर हर कंपनी को लगाना चाहिए जी, ये वाला स्टिकर, ये मुझे मैसी का बड़ा ही पसंद है जी। जितनी भी आपका जो है सिस्टम है, ग्रीसिंग पॉइंट है, तो सारे ग्रीसिंग पॉइंट यहाँ पे अलग से स्टिकर लगा रखा है जी, कहाँ कहाँ पे ग्रीस होना है। और एक अगला स्टिकर है जी, अब जनरेशन पढ़ी लिखी हो चुकी है, पढ़े लिखे लड़के खेती में आ चुके हैं, तो ये सारी स्पीडें दी गई हैं जी, कौन से गियर में कैसे कैसे, इसमें आराम से दिखा देता हूँ। और टायर साइज दिया गया है 14-28 के साथ, तो ये वाला पूरा मॉडल सिस्टम दिया गया है कि 14-28 के टायर के साथ कितनी स्पीड, कौन सा गियर, सब चीज़ इम्प्लीमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं। तो बड़ा ही प्यारा स्टिकर है जी, दोनों स्टिकर बड़े काम के हैं। तो तीसरी चीज़ मैं आपको एक और स्टिकर दिखाता हूँ जी। तो मल्टी स्पीड पीटीओ का स्टिकर ये वाला आ गया जी, देखो सारी स्पीडें आराम से देख लो। स्पीड पीटीओ, ग्राउंड स्पीड पीटीओ जी, जीएस पीटीओ जी। तो ये पीटीओ का लीवर आ गया जी। तो मेनली चार तरह की ही पीटीओ आती हैं जी, चारों तरह की पीटीओ ट्रैक्टर के अंदर मौजूद हैं। तो पीटीओ स्पीड के अंदर बहुत सारे जो है विकल्प मिल जाते हैं जी, 1000 चक्कर, 540 स्टैंडर्ड, तो बहुत सारी जगह ये लीवर काम करता है और बहुत ही इजी काम करता है जी, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और ये वाली जो चीज़ है जी, ये जो है गियर बक्सा अगर डिसंगेज करके रखना हो हमें, केवल ट्रैक्टर पीटीओ पे चलाना हो, तो सीधी जो पीटीओ की पावर है पीटीओ तक जाएगी, गियर बक्से से कोई लेना देना नहीं। और इसको जो है ये तकनीक जो है केवल मैसी के ही ट्रैक्टरों में आती है जी। और यहाँ पर एंगेज हो जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा पिछला हिस्सा। तो सारे लीवरों का मैंने आपको बताया जी, और 4x4 का लीवर यहाँ पे आ जाता है, बड़ा प्यारी सी जगह लगाया गया है जी इसको। और अगर ब्रेकों की बात करें अगर, तो यहाँ पे जो है कार की तरह के आपके कार की तरह के सॉरी बोल रहा हूँ ऊपर खींचने वाले जो है ब्रेक आते हैं। तो ये स्मार्ट की है जी, इससे आप अपने ट्रैक्टर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप इस स्मार्ट की से ट्रैक्टर को लॉक करके इस की को कहीं ले जाते हैं तो ट्रैक्टर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा जी, पहले आपको यहाँ से अनलॉक करना पड़ेगा जी, तब जाके ट्रैक्टर स्टार्ट होगा। तो ये एक सुरक्षा के लिहाज से बहुत बेहतरीन चीज़ लगी जी मुझे। तो काफ़ी मेन चीज़ है जी इंजन के बारे में भाइयों, इंजन मैं आपको इसका दिखाता हूँ। J327 इंजन है जी इसका, लेकिन इसको जो है कंपनी ने थोड़ा सा इंजन को मॉडिफाई करके इसको जो है 50 HP से जो इसका टॉर्क वगैरह है जी वो 50 HP के ट्रैक्टर से ज़्यादा है जी। तो भाइयों इसके अंदर एक टेक्निक लगी हुई है जो कि बैक कंप्रेशर आता है ट्रैक्टरों में, तो बैक कंप्रेशर को भी पावर में यूज़ करा गया है भाइयों। एक दो कंपनियां और हैं जिन्होंने ये वाला सिस्टम लगा रखा है, जैसे कि इंजन का बैक कंप्रेशर है तो इसको एक सिस्टम बना के एक वाल के थ्रू इसको एयर क्लीनर में दिया गया है, तो जितना भी बैक कंप्रेशर है वो भी ट्रैक्टर जो है इसको पावर की तरह इस्तेमाल करेगा। यानी अगर बैक कंप्रेशर आ रहा है तो वो इनलेट मैनिफोल्ड में जाके वो भी पावर बनाता है जी। हल्का मुल्का इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है और कहीं भी आपको ट्रैक्टर में जो बैक कंप्रेशर है उसकी कोई भी शिकायत नहीं आती जी। तो ये वाला जो इंजन है जी इसका थोड़ा सा जो आम मैसी के 50 HP के ट्रैक्टर हैं उनसे टॉर्क और बैकअप टॉर्क दोनों ही ज़्यादा है। इसी वजह से भाइयों इसका रेडिएटर भी थोड़ा बड़ा है और फ़ैन भी एक आधुनिक तरीके का फ़ैन लगाया गया जिसकी बहुत ज़्यादा हवा है। तो हमारे एक भाई का कमेंट आया था कि 254 का रिव्यू करो जी। तो इसमें क्या है कि जी हीट गार्ड यहाँ पे दे दिए गए हैं, ये हीट गार्ड हैं जी, कोई भी हवा जो पंखे की इसकी हवा है वो कुछ तो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी नीचे की तरफ और कुछ ये हीट गार्ड रोक देते हैं, यानी कि पैरों पे गर्म हवा नहीं जाएगी। और ये जो फिल्टर है जी अब तक का काफ़ी एडवांस फिल्टर लगा मुझे भारतीय ट्रैक्टरों के अंदर, विदेशों में तो ये चीज़ आती है, तो इसके अंदर दोनों ही फिल्टर हैं और वो ग्लास वाटर सेपरेटर भी साथ में ही है और ये 2-3 सर्विस तक आराम से चल जाता है जी। तो पंप की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बेहतरीन फिल्टर का यूज़ करा है जी। बैटरी फ्रंट में आ जाती है जी, ड्राई टाइप जो है एयर क्लीनर है ट्रैक्टर के अंदर, और जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पर आ जाता है जी।
तो आपको अंदर से दिखाया, तो फ्यूल लिड यहाँ से खुलेगी जी, कोई भी भाई ये ना समझे कि पूरा अंदर से भी लॉक मिलेगा आपको इसमें। तो एक बेहतरीन डिज़ाइन बनाया है जी, कार की तरह इसके लैंप दिए गए हैं, लो बीम ये है, हाई बीम ये है, दोनों की अलग अलग ट्यूब है, चार ट्यूब हैं जी इसके अंदर, हेलोजन लैंप हैं, लेकिन डिज़ाइन क्वालिटी वाइज बहुत ही बेहतर है। तो भाइयों ये वाला जो ट्रैक्टर है 4x4 है, हाइलो मीडियम है, हाइलो मीडियम के साथ शटल है, लिफ्ट की क्वालिटी बेहतर है। तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको कॉस्ट कटिंग कहीं भी नहीं मिलेगा जी, बढ़िया 2 kW के लगभग का स्टार्टर लगा हुआ है जी, मोटर स्टार्टर और वाइंडिंग वगैरह। तो जो डायना स्मार्ट ट्रैक्टर की सीरीज है जी पूरी, उसके अंदर कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो भाइयों को ट्रैक्टर की ट्राई दिलाई जाए जी कि क्या हिसाब किताब है इसका। तो यहाँ से जो है शटल को न्यूट्रल करके ट्रैक्टर ने स्टार्ट हो जाना है, और यहाँ से हमने पहले ही अनलॉक कर लिया था जी ट्रैक्टर, ये देखो। तो गियरों की जो शिफ्टिंग है जी बहुत ही बेहतरीन है, ये देखो, वाह कमाल है जी। और शटल की क्वालिटी देखते हैं जी, ट्रैक्टर के अंदर आपको जो कंपनी से स्पीड मिलती है जी 36 किलोमीटर की स्पीड मिलती है। तो भाई वो बेहतरीन स्पीड है ट्रैक्टर की। तो हमारे साथ मैसी कंपनी से हैं भाई, भैया जी पहले अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है जी, मैं मैसी ट्रैक्टर कंपनी में टेरिटरी मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ जी। मेरे पास मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नकुर, देहरादून ये पूरा एरिया है जी। मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा, जो भी वो 50 HP का ट्रैक्टर चाहते थे फोर व्हील ड्राइव डायना स्मार्ट में, जो ये ट्रैक्टर अपना आया है मैसी का जी, इसमें सभी फीचर्स हैं जी, फ्यूचर के फीचर कह लो कि आगे आने वाले 4-5 साल में भी, हाँ आने वाले टाइम में कोई फीचर ऐसा नहीं है जो इसमें पेंडिंग हो जी जी। जैसे फैक्ट्री फिटेड बम्पर थी, और आगे वेट टांगने का भी सिस्टम है जी, भी है फैक्ट्री फिटेड बम्पर है जी, स्मार्ट सीरीज है जी, 9x20 के टायर है, 14 के टायर है जी, ऊंचे पायदान है, ऑयल ब्रेक, पावर स्टेयरिंग, एडजस्टेबल हिच, शटल है, हाई लो मीडियम के साथ, हाई लो मीडियम है, शटल है, क्वाड्रा पीटीओ है, जो चार पीटीओ होती है जी वो सब है। तो पीटीओ के बारे में बताओ जी, कौन कौन सी पीटीओ, चारों पीटीओ के, इसमें लाइव पीटीओ, मल्टी स्पीड पीटीओ, ग्राउंड स्पीड पीटीओ, रिवर्स पीटीओ, ठीक है, चार पीटीओ है, 1+1 पीटीओ है, इसमें की इसका यूज होता है, जैसे आपको रोटावेटर पे चलाना है तो उसका यूज होगा, कुछ चीजें चलाते हैं किसान वो पोस्ट होल डिगर, उसके लिए पंप की जरूरत होती है, फैक्ट्री फिटेड हो जाता है, उसकी भी जरूरत पड़ती है, वो भी हमने दिया हुआ है दोनों पीटीओ। हाइड्रोलिक कैपेसिटी आप चाहते हैं, इसमें 2050 की हाइड्रोलिक कैपेसिटी है जी, इंजन 2700 cc का इंजन है जी, इस तरीके से आपको पूरा ट्रैक्टर है, स्मार्ट की है जी, कार की तरह यूज होती है जी, आप अगर स्मार्ट की से इसका यूज नहीं करेंगे तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है जी, कार की तरह है कि पहले अनलॉक करो फिर स्टार्ट अनलॉक करो, उसी तरीके से होगा, प्रॉपर चीजें वही दी है जो एक किसान को आने वाले टाइम में भी जरूरत होगी, तो इससे अच्छे फ्यूचर्स में सब दे दिए गए, ठीक है। तो मल्टी, जैसे कि कुछ ट्रैक्टरों के अंदर पीटीओ स्पीड नहीं आती, तो कोई गियर गरारी बदलता है, कोई कुछ करता है, तो इसमें केवल आपको गियर चेंज करना है किसी भी एप्लीकेशन का, हाँ जी किसी भी एप्लीकेशन में आपको गियर चेंज करने हैं, हर वर्किंग के लिए अलग से पीटीओ का वर्किंग दिया गया है, ठीक है जी, धन्यवाद। तो भाई वो कंपनी से हमारे साथ भाई थे, उन्होंने बहुत अच्छी ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दी, और ये जो ट्रैक्टर है जी, एक बार भाई जो भी भाई 50 HP का ट्रैक्टर कोई भी लेना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि इसकी टेस्ट ड्राइव जरूर ले जी एक बार, क्योंकि मुझे ये ट्रैक्टर पसंद आया, कटाई के हिसाब से, रोड स्पीड के हिसाब से, और आपका जो है मल्टी फंक्शन जी, हर तरीके, मतलब गेयर बक्सा कह लें उसमें भी कोई कमी नहीं है अभी फ़िलहाल के टाइम में, और हाइड्रोलिक तो मैसी की अच्छी है ही है, रोड स्पीड बढ़िया है, टायरों का मैच बहुत सही है। तो भाइयों आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, धन्यवाद जी।